फिरका वाराना हम आहंगी कश्मीरियत और इंसानियत की एक और मिसाल कायम करते हुए मुस्लिम पड़ोसियों ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के लालपुरा गांव में एक पंडित खातून की आखिरी रसूमात अदा की। मुतलका खातून की शनाख्त कमलावती जौजा दमादुर भट के तौर पर की गई है। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता रात उनकी वफात के बाद से वो यहाँ मौजूद हैं और गमजदा कुंबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। आखिरी रसूमात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने से लेकर लाश को शमशान घाट तक ले जाने तक मुस्लिम पड़ोसियों ने कश्मीरी पंडितों की रसूमात के मुताबिक खातून की आखिरी रसूमात के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक परे है, मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहीं पर रहता हूँ। ये बड़ा गांव है लालपुरा, यहाँ की आबादी भी काफ़ी है, लेकिन इस घर के साथ में सभी को मतलब यहाँ पे जो पंडित घर रहते थे, दो चार घर अगर शिफ्ट हो गए हैं, बाकी यहीं पे हैं। तो यहाँ पर भाईचारा जो सदियों से चला आ रहा है वैसा ही भाईचारा है। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मुसलमान आस पास के हैं, आज धान कटाई का ज़बरदस्त सीज़न है, लेकिन सभी अपना काम काज छोड़ कर इनकी अंतिम संस्कार में यहाँ पर शरीक हुए। कल रात से ही यहाँ पे लोगों का तांता बंधा रहा। यहाँ के मुसलमान जो पास पड़ोस में, उन्होंने सुना कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वो यहाँ आए। रात भर भी कुछ लोग यहाँ पे रहे और सुबह सवेरे जब ये मैसेज गांव में आ गई तो पूरे गांव को मैं मातम छा गया, जैसे पहले हुआ करता था। अब कुछ लोग बद अनासिर जो हैं, ये यहाँ का माहौल ख़राब करने पर तुले हुए हैं और बाहर भी गलत मैसेज दे रहे हैं। आप खुद यहाँ के पंडितों से पूछ सकते हैं कि कितना अच्छा भाईचारा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। हाँ, आज हमने सवेरे सुना कि यहाँ जो ये रहती थी, ये बहुत बुरी औरत थी हिंदू की, हालांकि इसका बेटा भी यहाँ है और इसका पति बहुत साल पहले गुजर चुका है। तो अब हमने सुना तो आसपास के तमाम गांव आया, हालांकि इस वक्त शाली की कटाई हो रही, लोगों ने सब काम छोड़ दिया और सब आए यहाँ, सब काम किया यहाँ पर उसकी आखिरी रसूमात के लिए। जनाब, मेरा नाम है मोहलाल पंडित मोहलाल बान जी। बताइए, जो यहाँ पर जो पंडित बरादरी खातून आपके घर से यहाँ से एक औरत की मौत वाक़ा हुई है, देखिए कल 11 बजे तकरीबन 11 बजे का टाइम था, रात का टाइम था, तो गांव वालों को सबको पता नहीं था रात का वक्त था, तो इन्होंने हम लोगों को फ़ोन किया, हम रहते हैं पास ही, तो हम आए तो बरादरी के इधर भी चंद लोग मौजूद थे, मुसलमान लोग, उसमें सरपंच था, नंबरदार साहब था और गांवों के पड़ोसी भी थे, हमसाया लोग भी आए। सारी रात हमने क्या ठीक गुजारी, तो कुछ बंदे इनके रिश्तेदार बेटे हैं, लड़कियां हैं कुछ, वो तो जुम्मे में थे, इसलिए हमने इंतज़ार करना पड़ा, फ़ोन शोन कर दिया उनको, वो भी आए, आ गए सारे। तब तक जब तक वो आए, ये चूल्लाल जी इधर था और इसकी घरवाली थी इधर, तो बाकी ये पड़ोसी हमारे मुसलमान भाई थे, सारे लोग आए जमा थे। तो सुबह का जब लोगों ने सुना, सुबह की नमाज़ तो पता चला गांव वालों को, तो औरतें जो आके बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, सब उन्हें हमने मिल बैठ कर देखा, अपने रीति रिवाज के हिसाब से गति काटी, बहुत सारा काम अंजाम सारा लोगों ने।